हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSSB EVGC काउंसलर सेकंड पेपर यानी साइकोलॉजी के 200 क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, कहां से क्वेश्चंस थे, कितने चेंज थे पिछले बार से क्वेश्चंस, और क्या अलग रहा, पैटर्न क्या था, एग्जामिनेशन पेपर का लेवल क्या रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में, कहीं मत जाइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर साइकोलॉजी की। तो जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी से आपके टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ध्यान रखने की ज़रूरत है। इवन अगर हम DSSSB की बात करें तो ये जितने ही एग्ज़ाम लेता है सब में नेगेटिव मार्किंग होता है, तो अब तक तो आपका माइंड सेट अभी हो गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग में आपको किस तरह से कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, टच करना चाहिए, अटैम्प करना चाहिए। इस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। DSSSB EVGC काउंसलर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, एक एक वीडियो आपकी मिल जाएगी। बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, एंड कुछ सजेशंस भी मिल जाएगा, एंड किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने कर रखी हुई है। तो यहाँ पे सेकंड पेपर की हम बात करें साइकोलॉजी, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस थे। और एक चीज़ जो यहाँ पे कैंडिडेट्स ने बताया कि इस बार क्या था, क्योंकि साइकोलॉजी के पेपर में भी, फर्स्ट पेपर में तो 20-20 क्वेश्चंस का सेट होता ही है, साइकोलॉजी के पेपर में भी 20-20 क्वेश्चंस का सेट दिया जाता है जो कि पहले से ही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि पहले क्या था कि आप एक सेट से दूसरे सेट तक जा सकते थे, फिर दूसरे से वापस आ करके जैसे एक सेट के क्वेश्चंस नहीं अच्छे लग रहे, नहीं समझ आ रहे, दूसरे में चले गए, दूसरे को कर लिया, तीसरे में चले गए, तीसरे को कर लिया। बट इस बार क्या था कि एक सेट को कंप्लीट करने के बाद ही फिर आपको सेकेंड सेट में जाना था, तो ये चीज़ थोड़ी सी रही। तो इस चीज़ के लिए माइंड सेटअप कर लीजिएगा, जो कैंडिडेट नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो घर से पूरा आपको माइंड सेट करके जाना है इस चीज़ के बारे में। और साइकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे काउंसलिंग से 50% क्वेश्चन आपके काउंसलिंग से देखेगा, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया। एंड काउंसलिंग से 50% क्वेश्चन यानी कि लगभग 70 से 80 हम कह लें, हालांकि 50% तो 100 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस थे काउंसलिंग से पूछे गए, अलग अलग सिचुएशन दे करके अलग अलग चीज़ें पूछी गई। कुछ सिचुएशन दे दिया गया कि इस तरह की चीज़ है या इस तरह की डिजीज़ है तो किस तरह की थेरेपी देना सही रहेगा, थेरेपी देना सही रहेगा या फिर उसको मेडिसिन देना जरूर सही रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए। प्रॉपर अलग अलग थेरेपी से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और भी इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात की गई, क्वेश्चनिंग की गई। एवर्जन थेरेपी से क्वेश्चन पूछा गया, फैमिली थेरेपी, सब्सटेंस एब्यूजिंग के लिए किस तरह की थेरेपी उपयुक्त होती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे गए। तो मतलब काउंसलिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि सोशल साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने टच किया हुआ था। उससे पहले की बात करें यानी कि 2021 की बात करें तो वहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके थे, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि साइकोलॉजी के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का सिलेबस प्रॉपर वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो आपको हर चीज़ पढ़ना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे काउंसलिंग से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, अलग अलग थेरेपी, अलग अलग टेस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, DSM के बारे में भी पूछा गया, DSM को ईयरली लगाने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ था। एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो IQ लेवल से क्वेश्चन था, IQ लेवल 70 to 85, उसको किस नाम से जाना जाता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। गिलफोर्ड की थेरेपी से 2-3 क्वेश्चन आपके आ रखे हुए थे, स्टर्नबर्ग की थेरेपी से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रखे हुए थे। तो हम अगर इंटेलिजेंस चैप्टर की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखे गए। इसके बाद में पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्रेसमर की थ्योरी पूछी गई थी, क्रेसमर की टाइप थ्योरी है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि ये नाम। साइकोलॉजी का पेपर इस बार वैसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है, जिनकी अच्छी पकड़ है, ठीक ठाक भी पकड़ है, तो उनके लिए पेपर ईजी लेवल का ही था, जैसा कि कैंडिडेट ने बताया। बाकी तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा, जब मैं उसको प्रॉपर पेपर आ जाएगा तो मैं प्रॉपर कोशिश करूँगी कि पेपर को मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे आंसर के साथ में।
तो जैसा कैंडिडेट ने बताया कि साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर इवन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए, बट उसके कंपैरिजन में सेकंड पेपर के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सीक्वेंस लगाने का क्वेश्चन आ रखा हुआ था, किसने दिया, इवन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए। फ्रायड की थ्योरी से ये क्वेश्चन आया हुआ था, ईडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो मतलब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसके बाद में साइकोसोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी एरिक इरिक्सन की थ्योरी, और यहाँ पे भी सीक्वेंस लगाने को आया हुआ था किसके बाद किसके पहले कौन सी थ्योरी आती है। तो यहाँ पे भी एरिक इरिक्सन की जो थ्योरी है वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन जनरल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वैसा कुछ नया नहीं था लेकिन बहुत ईजी था। क्रेसमर की थ्योरी आपने पढ़ाई होगा, टाइप थ्योरी कोई भी देख के लगा देगा। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट अगर आपको याद होगा तो आपके लिए मतलब आराम से नंबर आपके इसके बन गए। इसके बाद में डीबीटी के भी क्वेश्चन देखे गए। न्यूरो की हम बात करें तो न्यूरो से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। सेरेबेलम का दूसरा नाम पूछा हुआ था कि सेरेबेलम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो चार ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। न्यूरो ट्रांसमीटर से 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हुए थे, गाबा, सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। इसके बाद आगे बात करते हैं तो सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी से इस बार कम क्वेश्चंस देखे गए, 3 से 4 क्वेश्चन ही देखे गए जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपके सिचुएशन बेस्ड थे एंड 1-2 क्वेश्चन आपके टर्म्स रिलेटेड थे, टर्म्स के ऊपर में बेस्ड थे। डीएसएम का पूरा आपका चार्ट दे रखा हुआ था, उसको मैच कराने वाले क्वेश्चन आए हुए थे कि किस ईयर में कौन सा डीएसएम का कौन सा वर्जन आया, कौन इसको मतलब प्रेजेंट करता है, डब्ल्यूएचओ को कौन, आईसीडी को कौन प्रेजेंट करता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए। इंडियन साइकोलॉजी से योग साधना के क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड यहाँ पे मेमोरी चैप्टर की हम बात करें तो मेमोरी से बेसिकली आपकी एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी, यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो यहाँ पे भी कुछ नया क्वेश्चन नहीं था, जैसे क्वेश्चन आज तक पूछे मतलब पूछा जा रहा था मेमोरी से उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए थे। ऑप्शन दे दिया हुआ था कि इसमें से ये किस तरह की मेमोरी है, कौन से टाइप की मेमोरी है, एपिसोडिक है, सिमेंटिक है, किसके अंतर्गत आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा मेमोरी चैप्टर तो बहुत अच्छे से आप इसको सही करके आए होंगे। एंड इसके बाद में पावलोव की थ्योरी जो कि हमेशा ही पूछा जाता है, रेनफोर्समेंट शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक सिचुएशन दे दिया हुआ था एंड इसके बारे में पूछा हुआ था कि कौन सा रेनफोर्समेंट शेड्यूल ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो रेनफोर्समेंट शेड्यूल अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ईजिली आप इसका भी आंसर आप सही करके आए होंगे। इसके बाद में आपका आईवी और डीवी, यानी कि रिसर्च की हम बात करें तो रिसर्च से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, कुछ डीप क्वेश्चंस भी पूछा गया था, सेंट्रल टेंडेंसीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका मान विटनी यू टेस्ट भी पूछा गया था, आईवी और डीवी भी पूछा गया था, सिचुएशन देकर के आईवी डीवी क्या है, इससे रिलेट करके कुछ कैंडिडेट ने बताया कि पैसेज भी दिया हुआ था, वहाँ से 5 क्वेश्चन थे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए हैं। तो जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था साइकोलॉजी से, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो ऐसा है कि इस बार का लेवल चाहे जैसा भी हो, अगली तैयारी आपको करनी है तो लेवल को ध्यान में रख के करनी है, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों पे फोकस करना है आपको, क्योंकि आपका जो कट ऑफ बनेगा, आप अगर कट ऑफ तक पहुंचेंगे तो इसमें से फर्स्ट पेपर में भी जो 5 अलग अलग कैटेगरी है और सेकंड पेपर तो पूरा ही पूरा है, किसी भी एक पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, दोनों पे आपको बराबर का फोकस करना है। एंड बेसिकली जितनी चीज़ें पता चली वो यही हैं। आप जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि एग्ज़ामिनेशन का लेवल कैसा था, साइकोलॉजी का पेपर किस तरह का था, किस लेवल का था, एंड अगर इसमें से कोई टॉपिक छूट रहा हो, मिस हो रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिसको कि मैं आने वाली अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगी, जिससे कि आगे तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने अपना टाइम निकाल करके मेरे साथ बात किया, डिस्कस किया और टॉपिक्स के बारे में उन्होंने बताया कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज के लिए इतना ही,
थैंक यू सो मच।